मेडिटेशन लेट अस टर्न टू रोमन्स चैप्टर 1 एंड रीड द 16th वर्स। आइए आज के ध्यान के लिए रोमी की पत्री अध्याय 1 उसके 16वां वचन को हम देखेंगे। आज के हमारे ध्यान के जन रोमियो पत्र 1 अध्याय 16 पद हम देखी। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। কেননা আমি সুসমাচারের সম্বন্ধে লজ্জিত নহি, কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি, প্রথমত যিহুদার পক্ষে আর গ্রীকেরও পক্ষে। For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God and a salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Praise be to his holy name. পরমেশ্বর কে পবিত্র নাম কি মহিমা হো। ঈশ্বরের পবিত্র নামের গৌরব হোক। Saint Paul says that gospel of Christ is the power of God unto everyone that believe. हर एक विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार सामर्थ्य करके संत पौलुस यहाँ पर कहता है। आ साधु पौल तिनी बोलचें जे सबार जन्य विश्वास करा समस्त लोकेदेर जन्य सुसमाचार सेई शक्ति रयेछे। In Assam, Meghalaya was a part of Assam before many years. बहुत साल पहले मेघालय आसाम का एक भाग था। বেশ কিছু বছর পূর্বে মেঘালয় আসামের একটি অংশ ছিল। ইন দ্যাট পার্ট দেয়ার ওয়াজ আ হিল প্লেস কল্ড গারো হিলস। আর উস ক্ষেত্র মে এক পাহাড় জিসকো গারো পাহাড় করকে কাহা জাতা হয়। আর সেই স্থানে সেই পাহাড় রয়েছে এবং তাকে গারো পাহাড় বলা হয়। আমেরিকান মিশনারিজ ভিজিটেড দিস গারো হিলস এন্ড ইন দ্যাট ট্রাইবাল এরিয়া ওয়ান ট্রাইবাল ম্যান অ্যাকসেপ্টেড জিসাস ক্রাইস্ট এন্ড হিজ ফ্যামিলি। और मैं उस स्थान में जाकर के संदर्शन किया हूं और वहां पर उन आदिवासियों के मध्य में एक परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और ग्रहण किया। आज से स्थान है मिशनरी तारा जेते एवं तारा से सुसमाचार सेखने प्रचार करते এবং সেই স্থানে একজন এই সুসমাচারকে গ্রহণ করে। He believed gospel of Christ and he accepted Jesus Christ as his personal savior. ঈশ্বর মসীহ কে সুসমাচার কো উসনে সুন কে গ্রহণ কিয়া ও প্রভু ঈশ্বর মসীহ কো আপনে ব্যক্তিগত উদ্ধারকর্তা কে রূপ মে গ্রহণ কিয়া। আর প্রভু যীশু সুসমাচার শুনে তিনি বিশ্বাস করলেন এবং প্রভু যীশু কে তার ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করলেন। He decided to follow Jesus. উসনে ঈশ্বর কি পিছে চলনে কি ঠান লিয়া। তিনি যীশুর পশ্চাতে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। Along with his wife and two children. और अपने बच्चों के साथ अपनी पत्नी के साथ ता स्त्री और ता दुई संतान संगे। The village chief and all the villagers came against him. और उस गांव के जो प्रधान थे गांव के लोग थे उसके विरोध में उठ खड़े हुए। आज से ग्रामे समस्त लोकेरा समस्त धर्म लोकेरा तार विरुद्ध ऐसे दान। Village chief told him to deny Christ. और वे लोग आकर के कहे कि आप यीशु को इनकार करो। तारे ऐसे बोल लो तुम यीशु को अस्वीकार करो। That time he said, I have decided to follow Jesus. और उस समय उसने कहा कि नहीं मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। आज से समय से कथा बोल लो हमें सिद्धांत नहीं छे हमें यीशु पश्चात जाब। Cannot go back. और मैं पीछे नहीं जा सकता। अभी पश्चाते आप जाबो ना। Then the village chief ordered his archers to shoot arrows on the two children. और उस समय में गांव के प्रधान ने उन वहां पर तीरबाजों को ये आज्ञा दिया कि उस व्यक्ति के दोनों बच्चों को तीर से मारे। और सही समय से ग्रामे जिन्हें प्रधान छिलेन तिनी तार दुई बच्चा के तीर दिए मेरे फैलार आज्ञा दिलेन। And the children were dying. और उसके बच्चे जब मर रहे थे आता संतानरा जखन मर छिलो। दैट टाइम द विलेज चीफ आस्क्ड हिम विल यू नॉट डिनाई क्राइस्ट। उस समय में उस गांव के प्रधान ने दोबारा उस व्यक्ति से पूछा क्या तू यीशु का इनकार ना करेगा। आ सेई समय सेई ग्रामे जिनी मुख्य व्यक्ति तिनी बोलेन तुम्हें कि यीशु का अस्वीकार करबे ना। दैट टाइम ही सेड द अदर्स मे नॉट फॉलो बट आई विल फॉलो। और उसने इस प्रकार कहा कि दूसरे लोग पीछे ना आने से भी मैं यीशु के पीछे जाऊंगा। सही कथा बोल लो हमारा पश्चात उन्होंने ना एलो आमी यीशु के पश्चात जाबो। देन द विलेज चीफ कमांडेड द आर्चर्स टू शूट एरोस ऑन द वाइफ। और उस समय में उस गांव के प्रधान ने तीरबाजों से कहा कि उसकी पत्नी को निशाना लगा और उसको मार। आज सही समय से ग्रामे प्रधान से तीरंदाजी के बोल लो जे तुम्ही ता स्त्री को तीर दिए मेरे दा। द वाइफ डाइड। उसकी पत्नी भी मर गई। स्त्री मरे गलो। एंड दैट टाइम विलेज चीफ अगेन आस्क्ड विल यू नॉट डिनाई क्राइस्ट। दोबारा गांव के प्रधान आकर के उससे पूछे क्या क्या यीशु का इनकार नहीं करेगा। आवाज से ग्रामे प्रधान तक प्रश्न कर लो तुम कि यीशु का अस्वीकार करबे ना। दैट टाइम ही सेड द वर्ल्ड बिहाइंड मी द क्रॉस बिफोर मी। और उस समय में उसने कहा कि संसार पीछे और क्रूस मेरे आगे है। और सही समय सही कथा बोल लो जगत हमार पश्चात क्रूस हमार सन्मुखे। द विलेज चीफ कमांडेड द आर्चर्स टू शूट हिम आल्सो। और उस समय में उस गांव के प्रधान ने आखिर में तीरबाजों से कहा इसे भी तीर के निशान से मार।
আর সেই সময় সে গ্রামের যে প্রধান সে তীরন্দাজিকে বলল তাকে তীর দিয়ে মেরে দাও সিইং দ্য ফেথ অফ দ্যাট ট্রাইবাল ম্যান উস আদিবাসী ব্যক্তিকে বিশ্বাস কো আপ দেখো আর সেই আদিবাসী ব্যক্তির বিশ্বাসকে দেখে সামওয়্যার ইন সাম প্লেস 2000 years ago one person died on the cross and this man is believing so there must be some power in that और कहीं पर कोई 2000 साल पहले हमारी क्रूस पे मरा और ये व्यक्ति उसे विश्वास करता है क्योंकि उसमें कुछ तो सामर्थ है आज 2000 বছর পূর্বে একজন সে ক্রুশে মরেছিল এবং এই ব্যক্তি তাকে বিশ্বাস করছে এর মধ্যে কিছু তো শক্তি কিছু আছে village chief decided to follow jesus और उसके बाद उस गांव के प्रधान ने निर्णय लिया कि मैं यीशु के पीछे जाऊं तार परे से ग्राम में जिन्हें प्रधान छिलेन तिने ए सिद्धांत निलेन जे तिन्यो यीशु के पश्चाते जावे द एंटायर विलेज डिसाइडेड टू सरेंडर द लाइफ टू जीसस और उसके बाद पूरा गांव यीशु के लिए अपने जीवन को सौंप देने के लिए निर्णय लिया तार परे समस्त ग्राम यीशु जनई के समर्पण करार सिद्धांत निलो दैट इज व्हाई गॉस्पेल इज कॉल्ड द पावर ऑफ गॉड टू सेव दोस हु आर बिलीविंग इसी के लिए परमेश्वर के सुसमाचार विश्वास करने वालों के लिए एक सामर्थ्य करके कहा गया है आज सही जन बाला है जो ईश्वर के सुसमाचार जरा विश्वास करे तादेश जन पराक्रमी इवन दिस इवनिंग इफ एनीवन हियर कैन नॉट बिलीव जीसस एज क्राइस्ट एज लॉर्ड इफ यू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट एज लॉर्ड यू कैन एक्सपीरियंस ऑल द ब्लेसिंग्स दैट यू कैन फाइंड इन द गॉस्पेल अगर यहां पर भी ऐसा कोई है जो इसने प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है अगर आप यीशु मसीह के सुसमाचार का विश्वास करोगे और ग्रहण करोगे तो उसके साथ लिखे हुए सारे आशीषें आपके लिए भी होगा আর এখানে এমন যদি কেউ থেকে থাকেন যারা পরিত্রাণ পাননি এবং তারা যদি প্রভু যীশুকে তাদের ব্যক্তিগত মুক্তিদাতা বলে গ্রহণ করেন তাহলে সুসমাচারের লিখিত সকল আশীর্বাদকে তারা প্রাপ্ত করবেন গসপেল মিন্স গুড নিউজ সুসমাচার কেনে কা অর্থ হ্যায় শুভ সন্দেশ আর সুসমাচার বললে শুভ সংবাদ দ্য নিউজ মিন্স সামথিং দ্যাট টেকস প্লেস রিসেন্টলি দ্যাট ইজ কল্ড নিউজ সমাচার কেনে সে ও বাতেন জো হাল হি মে কুছ ঘটা হ্যায় অর উসে সমাচার করকে কাহা জাতা হ্যায় আর সংবাদ বললে যা কিছু ঘটেছে সেই বিষয়ে বলা হয় বাট থিং দ্যাট টুক প্লেস 2000 ইয়ার্স এগো হাউ ক্যান ইট বি এ নিউজ ইট ইজ অ্যান হিস্টরি লেকিন আজ সে তকরিবন 2000 সে পহলে জো ঘটনা জো হুয়া হ্যায় ও আজ কা সমাচার কেসে হো সকতা হ্যায় ও তো ইতিহাস বন গিয়া আর 2000 বছর পূর্বে যে ঘটনা ঘটেছিল তা আজকে সংবাদ কি করে হতে পারে তা তো ইতিহাস হয়ে গেছে বাট ওয়েন গসপেল ইজ প্রিচড কিন্তু যখন সুসমাচার কা প্রচার কিয়া জাতা হ্যায় কিন্তু যখন সুসমাচার প্রচারিত হয় সামথিং উইল টেক প্লেস উস সময় মে কুছ না কুছ তো হোতা হ্যায় সেই সময় তো কিছু ঘটে দ্যাট ইজ ওয়াই গসপেল ইজ কল্ড গুড নিউজ ইসি কে লিয়ে সুসমাচার কো হাম লোগ কো শুভ সমাচার করকে ভি কেহতে হ্যায় আর সেই জন্য সুসমাচার কে শুভ সংবাদ বলা হয় দ্যাট গসপেল ইজ ব্রট টু ইউ ইভেন দিস ইভিনিং অর আজ শাম কে ওয়াক্ত মে ওহি শুভ সন্দেশ আপকে লিয়ে লায়া গয়া হ্যায় আর আজকে সন্ধ্যায় সেই শুভ সংবাদ আপনার জন্য আনা হয়েছে দিস গসপেল ইজ কল্ড গসপেল অফ স্যালভেশন অর ইস সুসমাচার কো উদ্ধার কা সুসমাচার করকে ভি কাহা জাতা হ্যায় আর এই সুসমাচার পরিত্রাণের সুসমাচার Jesus came into this world. Prabhu Yeshu Masih sansar mein aaya. Prabhu Yeshu jagat elen. The relationship with God and man was snapped because of sin or disobedience of man. ईश्वर और मनुष्य के बीच में जो संबंध था मनुष्य के आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वो उसे हटा दिया गया या छीन लिया गया और मानुष और ईश्वर के मध्य जो संपर्क छिलो सेई संपर्क मानुष अबाध्य हवार जन्य ता छिन्न हयेछिलो जीसस सरेंडर्ड हिमसेल्फ टू डाई ऑन द क्रॉस to mend or to reconcile man with god lekin prabhu yeshu masih sansar mein aaye aur apne aap ko samarpan kiya aur cross pe apne jeevan ko de diya taki ishwar aur manushya ke madhye mein ek mel milap ho jaye aur prabhu yeshu jagat elen ebong cross e mrityu porjonto niye ke samarpan korlen jana ishwar o manusher modhe abar she milon ghote jesus is savior who can save us from the penalty of sin और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है जो पाप के उस वेतन से जो हमें बचा सकता है आ प्रभु यीशु ही से परित्राण करता है जिन्हें पापे से मृत पापे थे कि जिन्हें आमद के रोका को देख पा रहे ऑफ सिन इज डेथ और पाप का जो दंड है वो मृत्यु है पापेर वेतन मृत्यु जीसस डाइड ऑन द क्रॉस फॉर यू एंड मी टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन दैट इज डेथ
और प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इसके लिए क्रूस पे मरा कि पाप का वेतन जो मृत्यु है, जो दंड जो मृत्यु है, उससे हमें छुड़ाने के लिए। और प्रभु यीशु से क्रूस से थे अपना रामार जनों मृत्यु के बरन कर लें जन आमादे रोपरे से पापे जे वेतन तात्थे के आमादे के रखा करें। Not only for that, केवल इतना ही नहीं, Jesus died on the cross to deliver us from the power of sin. और हमें पाप के उस सामर्थ्य से छुड़ाने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह क्रूस में मरा। और हमें के से पापे शक्ति से मुक्त करार जन्य क्रूसे तिनी मरलें। The power of sin is bad habits and bondages. और ये पाप का जो शक्ति है, ये बुरी आदतें हैं, कई प्रकार का बंधन है। और पापेर ये स्वभाव होच्छे हमारे যে মন্দ স্বভাবগুলো রয়েছে এবং কিছু বন্ধন রয়েছে। If in our heart we believe that Jesus died on the cross for the penalty of sin and the power of sin. और अगर हम हमारे हृदय में इस बात को विश्वास करेंगे कि मेरे पाप, मेरे अंदर दिखाई देने वाले उस पाप के दंड के लिए मेरा यीशु मरा है और उस सामर्थ के लिए मेरा यीशु मरा है। आप पापे से बेतने जन्य, पापे से शक्ति जन्य प्रभु यीशु क्रूसे मरचे नहीं कथा विश्वास को ले। His death, His burial and resurrection will renew our relationship with God when we believe that. और उसका मृत्यु, उसका गाढ़ा जाना और उसका जी उठना परमेश्वर के साथ के संबंध को वो हमारे जीवन में विश्वास करने के द्वारा नया कर दिया जाएगा। तार मृत्यु, तार कबरस्थ हवा, तार पुनरुत्थित हवा द्वारा तिनी आमदे के तार ईश्वर संगे आमदे संपर्क के स्थापन करें। Hebrews chapter 2, इब्रानी के पत्री अध्याय 2, इब्रियों 2 अध्याय verse 14 and 15, उसके 14-15 वचन। ভালো সে সন্তানগণ যখন রক্ত মাংসের ভাগী তখন তিনি আপনিও তদ্রূপ তাহার ভাগী হইলেন, যেন মৃত্যু দ্বারা মৃত্যুর কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দিয়াবলকে শক্তিহীন করেন, এবং যাহার মৃত্যুর ভয়ে যাবজ্জীবন দাসত্বের অধীন ছিল তাহাদিগকে উদ্ধার করেন। ইসলে জবকি লড়কে মাংস ও লহুকে ভাগী হে তো আপ ভি উনকে সমান উনকা সহভাগী হো গয়া তাকি মৃত্যুকে দ্বারা উসে জিসে মৃত্যু পর শক্তি মিলি থি অর্থাৎ शैतान को निकम्मा कर दे और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासों में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। For as much as then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Praise be to His holy name. Parmeshwar ke pavitra naam ki mahima. Ishwar pavitra naam er gaurav. In Hindi we read it like this, nikama kar de. Aur Hindi mein humne padha ki usne use nikama kar diya. আর হিন্দিতে আমরা পড়লাম যে তাকে নিষ্ফল করেছে। So he was made powerless by the death of Jesus on the cross. প্রভু যীশু মসীহ কে কালভারি ক্রুজ কে মৃত্যু কে দ্বারা শয়তান কে শক্তি কো নিকম্মা কর দিয়া, শক্তি বিহীন কর দিয়া। আর প্রভু যীশু কালভারি ক্রুজে সে মৃত্যু দ্বারা তিনি শয়তান কে শক্তিহীন করলেন। And not only that, he delivered people from the fear of death from life, for lifetime. और जीवन भर के लिए परमेश्वर ने उस कलवरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा मृत्यु के भय से उन्हें छुड़ा दिया। আর কালভারি সে ক্রুশীয় মৃত্যু দ্বারা প্রভু যীশু তাদেরকে মৃত্যু ভয় থেকে মুক্ত করলেন। This evening if you are having a fear of death, अगर इस शाम के वक्त में अगर आपके अंदर मृत्यु का भय है, आज के সন্ধ্যায় যদি আপনার মধ্যে মৃত্যু ভয় থেকে থাকে, because of the sickness you have fear of death, বিমারী কে কারণ अगर आपके अंदर মৃত্যু का भय है, রোগের জন্য আপনার মধ্যে মৃত্যু ভয় থাকলে, Oh Jesus is able to deliver you from the sickness and also from the fear of death. প্রভু যীশু মসীহ আপকি বিমারী সে অর মৃত্যু কে ভয় সে আপকো ছুড়া সকতা হ্যায়। প্রভু যীশু আপনার রোগে থেকে, আপনার মৃত্যু ভয় থেকে আপনাকে মুক্ত করতে পারেন। He died, অর ও মারা, তিনি মরেছেন। He was buried, অর উসকো গাড়া গেয়া, তিনি কবরস্থ হয়েছেন। He rose up, অর ও জি উঠা, তিনি পুনরুত্থিত হয়েছেন। He is even now alive, অর ও আজ ভি জীবিত হে, তিনি আজও জীবিত। And this evening he is in our midst, অর ওই শাম কে ওয়াক্ত মে হামারে মধ্যে মে হে, আজ কে সন্ধ্যায় তিনি আমাদের মধ্যে রয়েছেন। To deliver us from every kind of bondages, হর এক প্রকার কে বন্ধনো সে হামে ছুড়ানে কে নিমিত্ত, সকল বন্ধনের থেকে মুক্ত করার জন্য। You might sorrows, আপ দুঃখো মে বন্ধে হুয়ে হোঙ্গে, আমি দুঃখে বন্ধিত আছেন। You might be bound with pains and suffering,
একটু সরে যাওয়াই হচ্ছে অধার্মিকতা দ্য ইনিকুইটি সেপারেটস ম্যান ফ্রম গড এক অধর্ম যে হয় ঈশ্বর কো মানুষ সে অলগ কর দেতা হয় আর এই অধর্ম মানুষকে ঈশ্বরের থেকে দূরে নিয়ে যায় গড ইজ আ গড অফ লাভ আমার ঈশ্বর প্রেমী হয় আর আমাদের ঈশ্বর প্রেমী ঈশ্বর গড ইজ আ গড অফ মার্সি এন্ড কম্প্যাশন আমার পরমেশ্বর দয়ালু কৃপালু হয় আমাদের ঈশ্বর দয়া ও করুণার ঈশ্বর হি ক্রিয়েটেড ম্যান ইন হিজ ওন ইমেজ উইথ হিজ ওন হ্যান্ডস উসনে আপনে হি হাতো সে আপনে হি স্বরূপ মে মনুষ্য কো ঈশ্বর নে বানায়া তিনি তার নিজের হাতে নিজের সব মূর্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করলেন অল অফ দ্য ক্রিয়েশন হি সেড ইট লেট ইট বি সো ইট ওয়াজ সো বাকি জিতনা ভি ব্রহ্মাণ্ড কি সৃষ্টি হে উসনে শব্দ সে কাহা কি এসা হো ও বেসা হো গিয়া আর এছাড়া সব কিছু যা কিছু তিনি সৃষ্টি করলেন এই রকম হোক সেই রকম হলো বাট ম্যান হি ক্রিয়েটেড হিম ইন হিজ ওন ইমেজ উইথ হিজ ওন হ্যান্ডস কিন্তু পরমেশ্বর নে মানুষ কো আপনে হি হাতো সে আপনে হি স্বরূপ মে বানায়া কিন্তু ঈশ্বর মানুষকে তার নিজের প্রতিমূর্তিতে নিজের হাতে তিনি সৃষ্টি করলেন এন্ড দ্যাট ইজ ওয়াই গড লাভস ম্যান ইভেন নাও ইসি কারণ সে আজ ভি মানুষ কো ঈশ্বর প্রেম করতা হয় আর সেই কারণে আজও ঈশ্বর মানুষকে প্রেম করেন ইফ এনিওয়ান ইজ সেপারেটেড ফ্রম গড বিকজ অফ ইনিকুইটি লাভিং him this evening gospel is coming to you agar koi bhi adharm ke karan parmeshwar se agar wo dur hai usko prem karo wo aapko prem karta hai aaj jodi keu adharmikotar karan ishwar theke dure giye thaken tale ishwar ke prem korun karon tini apnake prem kore if anyone is separated from god and you are here this evening the loving god is giving you this gospel to bring you back to him agar koi bhi yahan par parmeshwar se dur hai to premi parmeshwar is susamachar ke dwara aapko wapas aane ke liye ये संदेश दे रहा है আর কেউ যদি এখানে থেকে থাকেন যারা ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছেন আজকে সন্ধ্যায় ঈশ্বরই শুভ সংবাদ দিচ্ছেন যে আপনি ঈশ্বরের কাছে আসুন sin separates man from god এক পাপ যে হয় পরমেশ্বর সে মানুষ কো দূর কর দেতা হয় আর এই পাপ ঈশ্বরের থেকে মানুষ কে দূরে নিয়ে যায় বাট হোয়াট গসপেল ইজ ডুইং কিন্তু এই সুসমাচার কি করতা হয় কিন্তু সুসমাচার কি করে দ্য ওয়ান হু ইজ সেপারেটেড এন্ড গন ফার অ্যাওয়ে ফ্রম গড দ্য গসপেল ইজ ব্রিংগিং হিম নিয়ার টু গড এক ব্যক্তি যে পাপ কে কারণ যে পরমেশ্বর সে দূর চলা গিয়া সুসমাচার উসে ঈশ্বর কে সমীপ লেকর কে আতা হয় আজ এক ব্যক্তি যে পাপের কারণে ঈশ্বর থেকে দূরে চলে গেছে তাকে সুসমাচার তাকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে আসে এফিসিয়েন্স চ্যাপ্টার 2 এন্ড ভার্স 13 এফিসিয়েন্স কি পত্রি দুসরা অধ্যায় কে 13 বচন এফিসিয়েন্স 2 অধ্যায় 13 পদ But now in Christ Jesus, he who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए কিন্তু এখন খ্রিস্ট যিশুতে পূর্বে দূরবর্তী ছিলে যে তোমরা খ্রিস্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্তী হইয়াছ There is power in the blood of Jesus. यीशु के लहू में शक्ति है। प्रभु यीशु रक्त से शक्ति आछे। The blood of Jesus was shed 2000 years ago. प्रभु यीशु मसीह का लहू आज से तकरीबन 2000 साल पहले बहाया गया। प्रभु यीशु रक्त 2000 पूर्वे अपना जन बुइए दा होय छिलो। Even now there is power in the blood. आज भी उस लहू में शक्ति है। आज से रक्त से शक्ति आछे। And that blood is even now here speaking to you. और वो लहू आज भी यहां है और वही आपसे बातें कर रहा है। आज से रक्त आज এখানে আছে যা আপনার সঙ্গে কথা বলছে The word of God says the blood of Jesus speaketh better things than the word of the blood of Abel और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि यीशु मसीह का लहू आबेल के लहू से भी बेहतरीन बातें करता है और ईश्वर वाक्य की कथा बोले जो प्रभु यीशु रक्त हेबेलের রক্ত থেকে উত্তম কথা বলে That blood of Jesus is speaking to you this evening to come near to him उसके समीप आने के लिए वही यीशु मसीह का लहू आज आपसे बातें कर रहा है आज के সন্ধ্যায় সেই প্রভু যিশুর রক্ত আপনার সঙ্গে কথা বলছে তাকে তার কাছে আনবার জন্য If you surrender yourself to the power of the blood of Jesus तब यीशु मसीह के लहू के लिए अगर आप अपने जीवन को समर्पण कर दोगे यीशु रक्त के जोन अपना जीवन अभी समर्पण कर ले If you believe that Jesus died on the cross and shed his blood for you अगर आप इस बात को विश्वास करोगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे जो लहू मेरे लिए बहाया है और आपने ये कथा विश्वास कर ले जो प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पे अपना जन रक्त बहाए दिए थे you confess your sins और अपने पापों को अगर आप अंगीकार करोगे और अपना पाप अपने स्वीकार कर ले the blood of Jesus wipes away all your unrighteousness and makes you to come near to god aapke sare adharmikta ko prabhu yeshu masi aapke jeevan se nikal karke uske sameep aane ke liye aapki sahayata karega apna jeevan theke sokol adharmik কথাকে দূর করে প্রভু যিশুর কাছে আসতে তিনি আপনাকে সাহায্য করেন হি ইজ ব্রেকিং দ্য ওয়াল অফ পার্টিশন এন্ড মেকিং ইউ নিয়ার টু গড ও বিচ্ছেদ কা জো দিওয়ার হে ও উসে তোড় কে গিরা করকে উসে পরমেশ্বর কে পাস আনে কে লিয়ে ও মদদ করতা হে মাঝে যে প্রাচীর যে বিচ্ছেদ
রূপে দাঁড়িয়ে আছে তাকে ভেঙে আপনাকে তার কাছে নিয়ে আসবে as we finish this meeting and go you must be experiencing that you are near to god aur aap jab is sabha ke samapti ke baad jab wapas jaoge to prabhu yeshu masih ya parmeshwar ki us nikatta ko aap anubhav karna chahiye aaj jokhon ei shobar pore apni ghore jaben tokhon prabhu yeshu apnar kache ei kotha apni anubhav korben secondly what does sin do aur dusra ye paap kya karta hai ditiyo paap ki kore first kings chapter 16 and verse 26 और पहला राजा 16 अध्याय 26 वचन में प्रथम राजा बोली 16 अध्याय 26 पद वास्तविक इनी नोबटर पुत्र जारोबियम में समस्त पथे चलितेन एवं तिनि जे जे पाप द्वारा इसराइल के पाप कराइया इसराइलेर ईश्वर सदा प्रभु के ताहार असार प्रतिमा सकल द्वारा असंतुष्ट करियाछिलेन इनी सेई सकल पापेर पथे चलितेन वह नाबाद के पुत्र यरोबाम किसी सब चाल चला और उसके सब पापों के अनुसार जो उसने इसराइल से करवाए थे जिसके कारण इसराइल के परमेश्वर यहोवा को उन्होंने अपने व्यर्थ कर्मों से क्रोध दिलाया था For he walked in all the way of Jeroboam the son of Nebat and in his sin wherewith he made Israel to sin to provoke the Lord God of Israel to anger with their vanities The sin makes God to be angry और पाप जो है ईश्वर को क्रोध दिलाता है अरे पाप ईश्वर के क्रुद्ध करे Our God has said about God, he is slow to anger. हमारा परमेश्वर के संबंध में लिखा हुआ है वो क्रोध में धीरा है और हमारे ईश्वर संबंध लिखा है जितनी क्रोधे धी बट सिन मेक्स हिम टू बी गॉड ऑफ एंगर टू टेक एक्शन इमीडिएटली लेकिन पाप एक ऐसी चीज है जो हमारे परमेश्वर को क्रोध में लाके तुरंत क्रिया में करने के लिए वो उसे प्रेरणा देता है नहीं तो उसको मजबूर करता है किंतु ये पाप ईश्वर के क्रुद्ध करे एवं ताके बाध्य करे संगे संगे तार परिवर्ते से काज करते बट व्हाट गॉस्पल डस लेकिन सुसमाचार क्या करता है किंतु सुसमाचार की करे गॉस्पल ब्रिंग्स गॉड्स लव टू अस सुसमाचार परमेश्वर का प्रेम हमारे समीप लेकर आता है और सुसमाचार ईश्वर प्रेम के हमारे काछे नहीं आता रोमन चैप्टर 5 रोमी की पत्री पांचवा अध्याय रोमियो 5 अध्याय एंड वर्स 8 उसके आठवां वचन आठ पद কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম তখনও খ্রিস্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন পরন্তু পরমেশ্বর আমপর আপনি প্রেম কি ভালাই এস রীতি সে প্রকট করতা হয় কি জব হাম পাপী হি থে তবি মসি আমারে লিয়ে মরা বাট গড কমেন্ডেড হিজ লাভ টুয়ার্ড আস ইন দ্যাট হোয়াইল উই ওয়্যার ইয়েট সিনার্স ক্রাইস্ট ডাইড ফর আস হোয়াইল উই ওয়্যার ইয়েট সিনার্স ক্রাইস্ট ডাইড ফর আস জব হাম পাপী হি থে মসি আমারে লিয়ে মরা যখন আমরা পাপী ছিলাম তখন খ্রিস্ট আমাদের The punishment of sin, the death, he took upon himself. उस पाप का जो दंड है, जो मृत्यु है, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया. पापे जे शास्ती बा दंडों ता यीशु तार ऊपर निले. By that he is manifesting his love. और इस रीति से वो अपने प्रेम को प्रकाश करता है, प्रकट करता है. अरे भावे इतनी तार प्रेम के प्रकाश करें. Even this evening he loves you. That is why he is telling, "Come all you that heavy burden and laden, I will give you rest." इस शाम के वक्त में भी वो आपको प्रेम करता है इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है हे बोझ से दबे हुए परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा अरे सुंदर बेला तिनी आपके प्रेम करें तिनी बोलचें हे परिश्रांत भारक्रांत लोकेर आमार काछे एसो आमी तुम्हारे विश्राम देबो टू डिलीवर अस फ्रॉम द गॉड्स एंगर गॉस्पेल ब्रिंग्स गॉड्स लव टू अस और आपको परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाने के लिए सुसमाचार प्रेम दिखाते हुए आपके समीप देखो आ रहा है और আপনাকে ঈশ্বরের ক্রোধের থেকে মুক্ত করার জন্য এই সুসমাচার দেখুন আপনার কাছে আসে প্রেজ বি টু হোলি নেম পরমেশ্বর কে পবিত্র নাম কি মহিমা হো ঈশ্বর পবিত্র নামের গৌরব হো আওয়ার গড ইজ আ গড হু ব্লেসেস আস আমাদের পরমেশ্বর এক ঐসা পরমেশ্বর যে আমাদের আশীষ করতা হয় আর আমাদের ঈশ্বর যিনি আমাদেরকে আশীর্বাদ করেন আফটার ক্রিয়েটিং আদম এন্ড ইভেন উই ফাইন্ড গড ব্লেস देम जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया बनाने के बाद उन्हें आशीष दी आदम और हवा के सृष्टि करार पर ईश्वर तादेर आशीर्वाद करलें व्हेन मैन कमिटेड सिन किंतु जब मनुष्य ने पाप किया किंतु मानुष जखन पाप करलो सो द सिन मेड मैन टू हैव कर्स अपॉन हिम ये पाप ने मनुष्य के ऊपर श्राप ले आया अरे पाप मानुषेर उपरे से श्राप के निये लो गॉड इज नॉट अ गॉड ऑफ कर्स परमेश्वर श्राप देने वाला ईश्वर नहीं और ईश्वर श्रापेर ईश्वर नॉट गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग किंतु परमेश्वर तो आशीष देने वाला ईश्वर है ईश्वर आशीर्वादेर ईश्वर बट सिन मेड मैन टू रिसीव गॉड्स कर्स लेकिन ये पाप जो है मनुष्य ईश्वर के श्राप को अपने ऊपर लेकर के आया है अरे पाप
ঈশ্বরের সাপকে মানুষের উপরে নিয়ে এলো দ্যাট উই রিড ইন জেনেসিস চ্যাপ্টার 3 ভার্স 16 টু 18 অর উৎপত্তি কিতাব তৃতীয় অধ্যায় 16 সে লেকর কে 18 তক কে বচনো কো পড়নে সে আপ ইস বাত কো ওয়াহ পর পাওগে আদি পুস্তক 3 অধ্যায় 16 থেকে 18 পদ পড়লে আমরা এই বিষয় বুঝতে পারব বাট গড ডাজ নট ওয়ান্ট ম্যান টু বি ইন দ্য কার্সড স্টেট লেকিন পরমেশ্বর ই কদাপি নেহি চাতা কি কোই বি মানুষ অবস্থা মে রহে ঈশ্বর চান না যে মানুষ এই শাপিত অবস্থার মধ্যে থাকুক That is why in Galatians chapter 3 verse 13 we read इसी कारण से गलती की किताब तीसरा अध्याय के 13 वचन में हम पढ़ते हैं तेरह हमरा पढ़ी Cursed is the man who hangeth on the cross जो उस पेड़ पे झूलता है वो एक श्रापित है आज जे गाछे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ईश्वर नाम है गुरु असली देव मैन फ्रेंड फ्रॉम द लॉस कर्स वो ईश्वर के श्राप से मानव जाति को छुड़ाने के निमित्त और ईश्वर के श्राप से के मानव के मुक्त करने के लिए Jesus took all the curse upon him and died on the cross. Yes, you must see a sare logon ke shraap ko apne upar liya aur dekho cross par ja jhula. Aaj dekho to Yeshu sakal manushe shraap ke tar upar liye itni kushapit hole. So gospel brings blessings of the Lord. Sushamachar par Yeshu ki aashish hai hamare samip lekar ke aaya hai. Sushamachar Yeshu aashirwad ke hamare kache nahi aase. Ephesians chapter 1 verse 3 St. Paul says he has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Aur isi karan se Ephesians ki kitab pehle se ke teesre vachan mein sare swargi aashishon ko hamari dekha karke mujhe dekhne paate hain. Aaj se jo nayi vishay hai wo bahut important hai dekhi ke jo swargiyo aur sabol swargiyo aashirwad dekhne hamare jono nahi hai. Praise the Lord. Hey, Hamesha ki naam puri maho. Shaname gaurav. Gospel brings blessings of the Lord. Aur Yesu samachar Ishwar ki aashishon ko hamare samip le aata hai. Aur Yesu samachar Ishwar aashirwad ke hamare kache nahi aate. Spiritual blessings. Aatmik aashish. Aatmik aashirwad. Material blessings. Bhautik aashish. Jagatik aashirwad. Physical blessings. Sharirik aashish. Sharirik aashirwad. Gospel is able to give you. Aur Yesu samachar ye sari aashish aapko de sakta hai. Aur Yesu samachar ek sokol aashirwad aapko dete pare. You heard the testimony of the dear brother. Aaj apne priye bhai ki gawahi ko suna. Apne priye bhai sabko apne sune chen. He accepted Jesus as Savior. Usne Yesu Masih ko udhartakta ke roop mein apne jeevan mein grahan kiya. Prabhu Yesu ke ek parikram karta bole ta jeevan mein grahan. God delivered from all sicknesses. Sari bimari se dekho parmeshwar ne use chhuda diya. Aaj sokol loge ishwar ke mukto kare. Every year on the month of February he has to take इंजेक्शन हर एक साल फरवरी के महीने में उसे इंजेक्शन लेना पड़ता था प्रत्येक फरवरी मास तक इंजेक्शन लेते ही होता बट व्हेन ही एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज सेवियर दैट ही डाइड ऑन द क्रॉस फॉर मी और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और इस बात को मान लिया कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा आज जब हम प्रभु यीशु के तीन लिए मुक्तिदाता बोले ग्रहण कर लें और मान लें कि प्रभु यीशु ताज जो मैं कुछ है वो है ही गॉड चिल्ड्रन फ्रॉम हिज सिकनेस उसकी भी मां इस भाई को छुटकारा मनुष्य के जीवन में या मानव जाति में मृत्यु ले आता है पापी मानव से जीवन से मृत्यु के निया से When God created man, जब परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि किया मनुष्य मानव से सृष्टि को ले He created man not to die but to live. परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं परंतु जीने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया मनुष्य के मारा जो नए किंतु बेटे थाकार जो सृष्टि को ले ही ब्रेथ इज ब्रेथ इन हिज नॉस्ट्रल दैट ही मे बिकम अ लिविंग सोल इसी कारण से परमेश्वर ने मनुष्य को सृष्टि करने के बाद उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया ताकि वो जिए और सही कारण है मनुष्य के सृष्टि करार परे तार से नाके दे तिनी से सांस While he prays for his nation, he jibito thake. But when man disobeyed the commandment of God, he became a sinner in the sight of the Lord, and he brought death upon himself. कि जब मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया अपने जीवन में पाप लाते हुए मृत्यु को अपने जीवन में ले आया। जब मानव की श्रद्धा के লঙ্ঘন করলো সে পাপ করলো এবং তার জীবনে মৃত্যুকে নিয়ে That is why in Hebrews 9 verse 27 St. Paul the Hebrew writer saying it is appointed man once to die और इसी कारण से इब्रानी की पत्री 9 अध्याय के 27 वचन में इब्रानी की पत्री लिखने वाला पौल उस प्रकार कहता है मनुष्य के लिए एक बार मरना निश्चित है और सही जनों इब्रियो
प्रकाश हुआ जिससे मृत्यु का नाश किया और जीवन अमृतता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। किंतु एकोर हमारे त्राण करता मिस्टर ईशु गंगा प्राप्ति द्वारा प्रकाशित होयलो जिनि मृत्यु के शक्ति हीन करिया छे एवं सुसमाचार द्वारा जीवन ओ अक्षयता के दीप्ति ते आनिया छे। बट इज नाउ मेड मैनिफेस्ट बाय द अपीयरिंग ऑफ द लॉर्ड जीसस सेवियर जीसस क्राइस्ट हु हैड अबॉलिश्ड डेथ and it brought life and immortality to light through the gospel. Brought life and immortality through gospel. सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को ले आया है। और सुसमाचार के द्वारा से जीवन और अमरता के लिए that gospel is given to you this evening. इस शाम के वक्त में वही सुसमाचार आपको दिया जा रहा है। और इस संदर्भ से सुसमाचार आपने के बोला that you may be delivered from the fear of death and the power of death. ताकि आप मृत्यु के भय से मृत्यु के शक्ति से चुनौती को प्राप्त करें। जब आप मृत्यु भय से के मृत्यु से के आप मुक्ति के प्राप्त करें। प्रेस मृत्यु से लेकर परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ईश्वर पवित्र नाम में बोलो फिर से एक पांचवा sin brings calamities. जो पाप जो है वो कई प्रकार के विनाश को लेकर के आता है। और ये पाप विभिन्न विनाश के विनाश है। सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 6 वर्स 26 और 26 और दूसरे इतिहास 6 अध्याय के 26 और 27 वचन को पढ़ने से आज भी के वंश को भी 6 अध्याय 26 पद हम पढ़ते हैं। देयर इज फाइंड सिन ब्रिंग्स वॉर एंड सिकनेस। और ये पाप वहां पर देखने पाते हैं कि पाप जो है युद्ध को और कई प्रकार की बीमारियों को लेकर के आता है। शगन हमने देखी ये पाप विभिन्न युद्ध और रोग के लिए चौदह वचन और पहला पत्र दूसरा अध्याय के 24 वचन को पढ़ के देखने से चौदह पद एवं प्रथम पीतर 24 पद पढ़े देखिए हम देखो क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर दिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी भाग दिया। For he is of peace who have made both one and have broken down the middle wall of partition between us. ईश्वर पवित्र नाम में बोलो he has broken the middle wall of partition and brought peace with God. और अलग करने वाले उस दीवार को ढा दिया ईश्वर के साथ एक मेल मिलाप करा दिया। हमने पिता करा रे प्राची भेगे के ईश्वर के संग हमने के मिलन कर ले through the blood of Jesus we are reconciled with God. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हो गया। प्रभु यीशु रक्त के द्वारा ईश्वर के संग हमने मिलन हो गया। So man lost peace because of sin. पाप के कारण मनुष्य शांति को खो देता है। पाप के कारण मानव शांति के हारिए छे। There is no peace for wicked world but says परमेश्वर का वचन कहता है दुष्टों के लिए शांति नहीं। और इस बात को बोले दुष्ट के कोई शांति नहीं। Sin makes man to lose his peace. और ये पाप जो है मनुष्य की शांति को नष्ट कर देता है। और ये पाप ही मानव से शांति के विनाश करे। But on the cross किंतु क्रूस पे देखो the crucial for him Jesus died for you and me. यीशु मसीह आपके लिए मेरे लिए मरा। और यीशु आपका नाम जो That we may get
back that lost peace. ताकि वो खोए हुए शांति को दोबारा हम प्राप्त कर सकें। हमने हारी दवा से शांति के आभार हमने प्राप्त तो करी। The believer in this evening seated here, oh, I lost my peace. अगर यहाँ पर इस शाम के वक्त में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो ये कहता है कि ओ मैंने मेरे शांति को खो दिया है। अरे सुंदर बेला इतने अमन की वो आते हैं जिन्हें बोलते हैं जो तार शांति के निहारी फिर से। Jesus is standing before you. ये यीशु आपके सामने देखो खड़ा है। आज यीशु अपना सामने देखो खड़ा है। He's standing before you in the resurrected power. वो एक पुनरुत्थान के सामन के साथ यीशु देखो आपके सामने खड़ा है। पुनरुत्थान शक्ति समय यीशु अपना सामने खड़ा है। He is speaking to you and saying, my son, my daughter, my peace I give to you. और वो आपसे इस प्रकार कहते हैं कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। अपनी आत्मा के देखे बोलते हैं हमार पुत्र है हमार करुणा हमार शांति हम तुम्हें दी। So while from this place, if you go in peace, believing in the gospel, किसी कारण से स्थान से लौटने के समय में सुसमाचार को विश्वास करते हुए तू शांति से लौटना। और सही कारण इस स्थान पे के कारण भी फिरे जावे सुसमाचार के विश्वास करा जो ना शांति के जावे। Sin brings sickness. ये पाप जो है बीमारी ले आता है। अरे पाप रोग के लिए आते हैं। और 38 भजन के तीसरे वचन के आधार चंगे हो गए हो কত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছো। ও দিস ইভনিং অ্যাজ ইউ হিয়ার দ্য ওয়ার্ড, দিস ইজ সাম গিভ আপ মে দেসে দেসে আপ ইস বচনো কো সুনতে হো। ও সন্ধ্যা বেলা যেমন এই বাক্য আমরা শুনছেন, বাই ফেইথ ইন ইয়োর হার্ট ইফ ইউ হিয়ার দ্য ওয়ার্ড, আগর বিশ্বাস কে হৃদয় কে সাথ আগর এই বচনো কো আপ শুনোগে, হৃদয় বিশ্বাস এই বাক্য আপনি শুনলে, বাই ফেইথ ইউ রিসিভ দিস ওয়ার্ড, আগর বিশ্বাস কে সাথ এই বচনো কো আগর আপনি জীবন মে গ্রহণ করোগে, বিশ্বাস এই বাক্য আপনি গ্রহণ করলে, বাই If you keep that word in your heart, अगर अपने हृदय में विश्वास के जो वचनों को रखोगे, विश्वास से अपना हृदय बाप को भी रखा तो है। ये स्ट्राइक्स ये वे हील्ड, उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। आप कब सबूत दाव आप भी सुस्त हो गए। You will not go back to your sicknesses. आप बीमारी के पास लौट के नहीं जाओगे। लोगे सुनगे फिर जाने ना। You may be sick in any part of your body. आपके शरीर के किसी भी भाग में आप बीमार होंगे। अपना देह जो कोनो भागे आपने असुस्थ होते पा रहे हैं। But any sickness in any part of your body, Jesus has already taken the sickness upon him and he died on the cross to deliver you from the sickness. आपके किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर के किसी भी भाग में होने से भी आपके सारी बीमारी को आपके शरीर से निकालने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पे उस घोड़े के मार को खाया है। আর আপনার দেহে যে কোন স্থানে যে কোন রোগ হতে পারে, কিন্তু সেই রোগকে তুলে নেবার জন্য প্রভু সে কালভারি ক্রুশে তিনি হত হয়েছিলেন। If you receive this gospel, अगर आप इस সুসমাচার को গ্রহণ করোগে, আপনি সুসমাচারকে গ্রহণ করবেন। If you believe and receive this gospel, इस সুসমাচার को বিশ্বাস করতে গিয়ে अगर आप গ্রহণ করোগে, বিশ্বাসের সঙ্গে সুসমাচারকে গ্রহণ করবেন। Right now healing is taking place. আপনি হ্যাঁ আপনি আপনি শরীর में देखो চঙ্গাই হয়ে রা है। এখনই আপনার দেহে সে আরোগ্যতার কাজ হবে। The sickness will flee away. আপনি বিমারী ভাগ যায়গা। আপনার রোগ পালিয়ে যাবে। Praise the Lord. পরমেশ্বর কে নাম কি মানে মহা ঈশ্বর নামের গৌরব। 6:13 तेरा ऐसे की किताब 13 अध्याय के 11 वचन में ईश्वर 13 अध्याय का पाप सिन ब्रिंग्स पनिशमेंट। ये जो पाप जो है दंड को हमारे जीवन में लाता है। अरे पाप हमारे जीवन से दंड के निया। But what gospel does? किंतु सुसमाचार क्या करता है? जो सुसमाचार की करे। According to Romans chapter 5:9. रोमी की किताब 5 अध्याय के 9 वचन के आधार पर। रोमियों 5:9 और पद अनुसार সুতরাং সম্পত্তি তার রক্তে যখন ধার্মিক করিত হইয়াছি তখন আমরা কত অতি নিশ্চয় তাহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব। সো জবকি হম আব উসকে লহু কে কারণ ধর্মী ঠহরে তো উসকে দ্বারা ক্রোধ সে ক্যুঁ না বচেঙ্গে। মাচ মোর দেন বিইং নাও জাস্টিফাইড বাই হিজ ব্লাড উই শ্যাল বি সেভড ফ্রম রথ টু হিম। We shall be saved from wrath. और हम उसके क्रोध से बच जाएंगे। हम ना तो क्रोध से बच जाएंगे। We shall be saved from the wrath, the punishment
by just believing in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर मात्र विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर का वह दंड वो क्रोध से हम बच निकलेंगे. आप प्रभु यीशु से रक्त विश्वास से द्वारा तक क्रोध से हमारा भाई से रहो. By the blood of Jesus we are justified. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहरे. आप प्रभु यीशु रक्त द्वारा हम धार्मिक पुनीत हो गए. That is the power of the blood of Jesus. और यही यीशु के लहू की शक्ति सामर्थ है. ताई प्रभु यीशु रक्त की शक्ति justified और वो हमको धर्मी ठहराता है. हम धार्मिक पुनीत हो गए. So what does it mean? और इस बात क्या है? ये रक्त की even though you have committed innumerable sins. हो सकता है कि आपने बहुत सारे पापों को किया हो. होते सारे असंख्य पाप अपनी को रचें भाई तो ब्रेड ऑफ जीसस किंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा यदि प्रभु यीशु रॉक के द्वारा जो क्रिएटर गॉड वो सृष्टिकर्ता ईश्वर ये सृष्टि करता ईश्वर योर माइटी गॉड वो सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर वंडर वर्किंग गॉड और वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर आश्चर्य कार्यकारी ईश्वर विद दिस आईज With his eyes, उसकी आंखों से आंखों के द्वारा he is seeing you as a person not committed innocent. और वो अपनी आंखों से आपको ऐसा देखता है मानो आपने कोई भी पाप ना किया हो. तार चौके के लिए आप तक यही भावे देख चें जो आपने कोई पाप करेंगे. Man will always see us as a sinner. मनुष्य को दूसरों को हमेशा का पापी की दृष्टि से देखता है. और मानुष मानुष के सब बोला पापी दृष्टि से देखता है. But because of the blood of Jesus, किंतु प्रभु यीशु के लहू के कारण, किंतु प्रभु यीशु रक्त के कारण है. Oh, the Father is seeing us as if we are not committed any sin at all. पिता परमेश्वर हमको ऐसा देखता है मानो हमने कभी पाप ही ना किया हो. क्या ईश्वर हमें कई भावे देखते हैं जना हमने कोई पाप ही कर ली. The devil will say you are a sinner, you are a sinner. शैतान बार-बार कहता रहेगा तू पापी है शैतान बार-बार बोलते था कि तुम्ही पापी The devil will say you are committed this, you are committed this. शैतान आते ये फुसफसात करके कहेगा कि तूने ये किया तूने वो किया. आज शैतान आते के बोलते तुम ये कर रहे हो तुम वो कर रहे हो. But what God says to ईश्वर क्या कहेगा. ईश्वर की बोलते हैं I will remember your sin no more. मैं तेरे पे पाप को हो स्मरण नहीं करता. अभी तुम्हारा पाप क्या स्मरण कोई ना. Even if you search you will not find it. अगर आप उस पाप को ढूंढोगे तो भी ना पाओगे. आप इसे पापेर हमने सुन को लो ताकि आप पावे ना. Because I've thrown it all behind my back. क्योंकि मैंने सारे पापों को मैंने पीठ के पीछे फेंक दिया. अरुण तुम्हार सकल पाप हम पश्चात भी फेले दिए. All your sins that is committed in your confess, it has been blotted away by the blood of Jesus. अगर आपने किए सारे पापों को अगर आप स्वीकार कर लेते हो यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो संपूर्ण रीति से मिठा दिया गया है. और अपना पाप जो आप निश्चिकार को चाहिए तो यीशु रक्त द्वारा पूर्ण रूपे ताकि शेष कर दिया है. चे परमेश्वर के नाम की महिमा हो. प्रशंसा में पूरा दैट गॉस्पेल इज ब्रॉट टू यू. और वही सुसमाचार आज आपके पास आया है. आज सही सुसमाचार अपना कहते सिन मेक्स मैन टू बी ऑलवेज अंडर कैप्टिविटी. ये पाप मनुष्य को हमेशा गुलामी में बंधन के अधीन रखता है. अरे पाप मनुष्य के सर्वदा का बंदी कर रखे. दोस सिन सिनिंग They are slave unto the sin. जो कोई पाप करते हैं ये पाप के गुलाम है उनके दास है. आज जरा पाप करे तरह पापी कृतो दास. But what gospel tells? किंतु सुसमाचार क्या कहता है. सुसमाचार की बोले You are no more under this captivity. You are set free. और अब आप इस पाप के बंधन में नहीं हो आप मुक्त हो गए हो. आपने आप इस पापी बंधन में मुझे नहीं आपने मुक्त हो. Because all this you have taken upon himself on the cross. क्योंकि कलवरी क्रूस पर इन सारे पापों को से अपने ऊपर ले लिया. कारण है कलवरी क्रूस पर तुमने अपना सकल पाप तुले लिए थे. Father loves us, loved us and loves us so much that he is putting all the sins upon his son and he is making us to be free. और पिता परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया इतना प्रेम किया कि उसने हमारे सारे पापों को उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमको पाप
मुक्त कर दिया पिता ईश्वर प्रेम करलें सकल पाप पुत्र प्रभु जीशु दिलें All this he has taken upon himself on the cross. क्योंकि कलवरी क्रूस में इन सारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया. कारण ही कलवरी क्रूस से तिनि अपना सकल पाप तुले निए छेन. Father loves us so much that he is putting all the sins upon his son and he is making us to be free. और पिता परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम किया और इतना प्रेम किया कि उसने हमारे सारे पापों को उसने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया और हमको पाप मुक्त कर दिया. और पिता ईश्वर हमें के प्रेम करलें सकल पाप पुत्र प्रभु जीशुर उपरे दिलें मुक्त कर As you go from this place, इस स्थान से आप लौटोगे जब आप फिर जावे नहीं स्थान If you receive this gospel and if you keep this gospel in your heart, अगर आप इस सुसमाचार को ग्रहण करते हुए अपने हृदय में रख करके जब जाओगे इस सुसमाचार के ग्रहण करे अपना हृदय जब आप रेखे देवें Read Romans chapter 10 verse 9. रोमियो की पत्री 10वें अध्याय के 9 वचन को रोमियो 10 अध्याय 9 पद कारण तुम्हें जदि मुखे जीशु के प्रभु बलिया स्वीकार करो एवं हृदय विश्वास करो जे ईश्वर ताहाके मृतगणेर मध्य हईते उत्थापन करियाछेन तबे परित्राण पाइबे कि यदि तू अपने मुंह से ईश्वर को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe with thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Hallelujah! Hallelujah! Let us believe that Jesus died on the cross and he rose up for me. आइए हम इस बात को विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह मरा और मेरे लिए वो जी उठा. আর এই কথা আমরা বিশ্বাস করি যে প্রভু যীশু আমার জন্য মরলেন এবং আমার জন্য তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন Jesus died for me and he rose up for me আর ইয়েশু মেরি লিয়ে মারা আর মেরি লিয়ে ও জি উঠা আর প্রভু যীশু আমার জন্য মরলেন আমার জন্য তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠলেন Jesus is Lord ইয়েশু হি প্রভু হ্যায় যীশু হি প্রভু All of you open your mouth and confess Jesus is Lord सब लोग इस बात को मुख के अंदर अंगीकार कीजिए यीशु प्रभु है और यही कथा अपना सबाई मुख खुले स्वीकार करूं जे यीशु प्रभु Open your mouth and say, Jesus is Lord. Yeshu Prabhu hai. Mukho ke boli. Jesus is Lord. Ek kada mukh khule bolun. Jesus is Lord. Yeshu Prabhu hai. Yeshu is Prabhu. Jesus is Lord. Yeshu hi Prabhu hai. Yeshu Prabhu. And you say like this, Jesus is my Lord. Aur abhi is prakar boli, Yeshu mera Prabhu hai. Aur abhi bhai bolun, Yeshu amar Prabhu. Oh, he is the Lord to deliver you from every kind of bondages. Aapke jeevan ke sare bandhanon se chhudane ke liye wo mera Prabhu hai. আপনার জীবনের সকল বন্ধন থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি আপনার প্রভু Read Matthew chapter 4 মত্তির সুসমাচার 4 অধ্যায় And verse 23 উসকে 23 বচন কো পড়েঙ্গে 23 পদ পরে যীশু সমুদায় গালিলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন তিনি লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন রাজ্যে সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভালো করিলেন और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा And Jesus went about all Galilee teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing all manner of sickness and all manner of disease among the people Praise be to his holy name परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो ईश्वर पवित्र नाम है गौरव हो Jesus was in his physical body. वहाँ यीशु मसीह अपने शारीरिक देह में उपस्थित है। आ सही स्थान है प्रभु यीशु तार शारीरिक देह उपस्थित चिलें। He was in flesh and blood. और वो रक्त और मांस में वहाँ पर है। ये रक्त और मांस से चिलें। Wherever he went, he healed all manner of sicknesses. जहाँ कहीं भी उस समय में वो गया, वहाँ वहाँ हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को उसने चंगा कर दिया। शिकाने इतने क्या चेंज शिकाने सकल रोगे थे के रोगे दे सुस्थ करे He preached the gospel of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार उसने प्रचार किया ईश्वर राज्य सुसमाचार प्रचार करे छेन That same Jesus is here. वही यीशु आज यहाँ है. सही है कि यीशु एकाने आचेन. He is not walking in flesh and blood. और वो यहाँ एक रक्त और मांस मारे बीच में चल फिर नहीं रहा. आतिनी एकाने रक्त और मांस से चला फिरा कोचेन ना. If there is power
in the flesh and blood of the body of Jesus, how much more there will be power in the resurrected body of Jesus. Agar rakt mams roopi usse sharir mein agar Yeshu ke andar utna samarth tha to punaruttan ko prapt kiya prabhu Yeshu Masih mein kitna adhik shakti aur samarth hoga. Rakt mamshe sei prabhu Yeshur moddhe jodi eto ta shakti theke thake তাহলে পুনরুত্থিত প্রভু যিশুর মধ্যে আরো কত কত বেশি সেই শক্তি আছে. And that Jesus with the resurrected body is walking in the midst. ওর ওই ইয়েশু মসীহ পুনরুত্থান কে শরীর কে সাথ দেখো হামারে বিচ মে চল ফির রাহা হ্যায়. আজ সেই প্রভু যিশু পুনরুত্থানে সেই দেহে তিনি আমাদের মধ্যে বিচরণ করছেন. What for? কিস লিয়ে? কেন? To meet your need. ताकि आपके जरूरतों को देने के लिए अपना आवश्यकता के पूर्ण स्पिरिचुअल नीड. आप एक आत्मिक जरूरतों के साथ यहाँ पर आए होंगे. आत्मिक प्रयोजन नहीं. You might be seated here with a physical need. आपके शारीरिक जरूरतों के साथ यहाँ पर बैठे होंगे. अपना जागतिक शारीरिक প্রয়োজনের সঙ্গে এসছেন. ইউ মাই বি ট্রাবলড অবাউট ইয়ার প্রবলেম ইন ইয়ার হাউস. আপনার ঘর কি সমস্যা সে আপ পীড়িত হবে. আপনার ঘরের সমস্যার সঙ্গে আপনি এসেছেন. ইউ মে বি ট্রাবলড অবাউট উইচক্রাফটস. আপ লক্ষায়ত জাদু টোনো শয়তান কি শক্তি সে পীড়িত হবে. জাদু শক্তির দ্বারা কষ্ট পে আপনি এখানে এসেছেন. ইউ মাই বি ট্রাবলড অবাউট পিসলেস স্টেট ইন ইয়ার ফ্যামিলি. আপকে পরিবার মে দিখাই দেনে ওয়ালে শান্তি রহিত অবস্থা কে লিয়ে আপ পীড়িত হবে. আপনার পরিবারে সে অশান্তির জন্য হতে পারে আপনি কষ্টে রয়েছেন. বাট জিসাস is walking in your midst. Lekin Yeshu Masih dekho hamare beech mein chal fir raha hai. Kintu Prabhu Jishu ke dekhun tini amader modhe bicharon korchen. When this gospel is given. Jab Yeshu samachar diya ja raha hai. Aaj jokhon Yeshu samachar ke dewa hoy. Signs and wonders will take place. And adbhut chamatkar ke kaam waha honge. Adbhut chinno karjo sekane hoy. Read Acts chapter 14. Prerito ke kaam 14 adhyay. Read 14 adhyay. Verse 3. Tisra vachan. In pod. Long time therefore showed they speaking boldly in the Lord, which gave testimony unto the word of his grace, and granted signs and wonders to be done by their hands. और वे बहुत दिन तक वहां रहे और प्रभु के भरोसे पर याव से बातें करते थे और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता था. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन उसके अनुग्रह की बातें का प्रचार किया जा रहा है. ऐसा नहीं है वाक्य तर अनुग्रह कथा प्रचार करा. Psalms 107 verse 20 says he sent his word and healed his people. 107 भजन के 13 वचन हम देखने पाते कि वो अपना वचन को भेज के चंगा करता है. 107 की संहिता 20 ते बोला छे जे तिनी तार वाक्य पाठी आरोग्यता दान. The centurion told Jesus. और उस सुबेदार ने आकर के यीशु से कहा. आशय शतपति यीशु के बोललेन. If you say a word my servant will be healed. अगर तू एक शब्द बोल दे मेरा दास वहां चंगा हो जाएगा. आ तुम एकटी कथा बोलले हमर दास सेखने आरोग्यता पाबे. So this evening the healing Jesus is walking in the midst. आज शाम के वक्त में चंगाई करने वाला यीशु हमारे बीच में चल फिर रहा है. आज के सुंदर बेला से आरोग्यकारी यीशु हमारे मध्य विचरण with the word of grace. अनुग्रह के वचनों के साथ. अनुग्रह वाक्य द्वारा. He is sending his word to you. वो अपना वचन आपके पास भेज रहा है. इन्हीं तार वाक्य को अपना काजे पाठिए दिच्छेन. He is telling I am the Lord that healeth thee. वो कहता है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा हूं. अतिनी बोलचेन आमी तुम्हारा आरोग्यकारी ईश्वर. What gospel tells? यीशु समाचार क्या कहता है? यीशु समाचार की बोलचे. Philippians chapter 4 verse 19. फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय के 19 वचन में. फिलिप्पियों 4:19 में. My God shall supply all your needs. और मेरा परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर देगा. हमारी ईश्वर तुम्हार सकल आवश्यकता के पूर्ण करबेन. You're not going to go with your need, but you're going to be going from this place, your need being met by Jesus. आज आप इस स्थान में आपकी जरूरतों के साथ आपूर्ति के साथ वापस नहीं जाओगे, लेकिन आज यहाँ से वापस जाने के समय में आपकी सारी जरूरत को पा करके यहाँ से वापस जाओगे. और आपने इस स्थान तक जाबार समय আপনার সেই প্রয়োজন গুলিকে নিয়ে ফিরে যাবেন না, কিন্তু সকল প্রয়োজনে সকল প্রয়োজনকে মিটিয়ে পূর্ণতাকে প্রাপ্ত করে আপনি যাবেন. ক্লোজ ইওর আইস. আপনি আঁখো গবন কিজি. আপনার চোখ বন্ধ. জিসাস ইজ হিয়ার. ইয়েশু ইহা হে. যিশু এখানে আছেন. হি ইজ নট উইথ ফ্লেশ এন্ড ব্লাড. আর ও ইয়া পর রক্ত আর মাংস রূপী এক দেহে মে নেই. তিনি রক্ত মাংস এখানে নেই. হি ইজ উইথ দ্য গ্লোরিফাইড বডি অফ দ্য গ্লোরিফাইড গার্মেন্ট. ও এক মহিমা মে শরীর মে এক মহিমা মে বস্ত্র কো পেন করকে ইয়া হে. তিনি তার মহিমাময় দেহে মহিমাময় বস্ত্র কে পরিধান করে এখানে রয়েছেন.
The woman with the issue of blood. और वो स्त्री जिसको लहू की बीमारी से वो पीड़ित थी. आज से स्त्री बारो बहुत सो दौरे प्रदोग्रस्त जिन शिलेन. She said and believed in her heart and said, "If I touch the hem of the garment of Jesus, I'll be healed." उसने अपने मन में इस बात को विश्वास किया और अपने मुंह से इस बात को कहा कि अगर मेरे यीशु के वस्त्र के छोर को अगर मैं छू लूं तो मुझे चंगाई मिल जाएगा. आतने एक कथा विश्वास कर लेन एवं एक कथा तिनी बोल लेन जे आमी जदि प्रभु यीशुर वस्त्रे स्तोप के स्पर्श करी आमी सुस्थ हब. इफ मैन मेड गारमेंट हैड सो मच ऑफ पावर. मनुष्य के द्वारा निर्मित उस वस्त्र में अगर इतना शक्ति है. मनुष्य द्वारा निर्मित से वस्त्र यदि एतटाई शक्ति थके थके. हाउ मच मोर पावर विल बी देयर इन द ग्लोरीफाइड गारमेंट ऑफ जीसस. यीशु मसीह के महिमा को प्राप्त के वो उस वस्त्र में कितना अधिक शक्ति होगा. ताले प्रभु यीशु से महिमा पद प्राप्त से वस्त्रे ताले आरो कत बेशी शक्ति आछे. बाय फेथ यू टच दैट गारमेंट. आप विश्वास से उस यीशु के वस्त्र को छू लो. आपने विश्वास से प्रभु यीशु वस्त्र के स्पर्श करो. बाय फेथ यू एक्सपीरियंस द पावर प्रोसीडिंग फ्रॉम द गारमेंट ऑफ जीसस. दैट वर्चू प्रोसीडिंग फ्रॉम द गारमेंट ऑफ जीसस. विश्वास के द्वारा उस वस्त्र को छूने के समय में इस बात को अनुभव करो कि यीशु के वस्त्र से एक शक्ति एक सामर्थ्य निकल रहा है. और विश्वास से प्रभु यीशु से वस्त्र के स्पर्श करार समय अपने अनुभव करें विश्वास करें जे तात तके शक्ति अपनार मध्ये बेरी. You are being delivered. आपको छुटकारा मिल गया. आपने मुक्ति पेचेन. Jesus is Lord. यीशु ही प्रभु है. यीशु ही प्रभु. Jesus is the only Lord who can deliver. यीशु ही मात्र एक प्रभु है जो आपको छुड़ा सकता है. प्रभु यीशु एकमात्र प्रभु जिन्हें आपके मुक्ति दीते पारे. He can deliver you from all your failures. आपके सारे पराजय से वो आपको छुड़ाएगा. अपना सकल पराजय से आपके मुक्त करबे. He can deliver you from all your sins. वो आपके सारे पाप से आपको छुड़ाएगा. अपना सकल पापे से आपके मुक्त करबे. He can deliver you from all your weaknesses. आपके सारी दुर्बलता से वो आपको छुड़ा सकता है. सकल रोगे आपके मुक्त कर बे. He is here to do that. और वो करने के लिए देखो यहाँ उपस्थित है. एकाने आचेन से काज करार जन्नो. He has come to do that. और वो करने के लिए ही आया है. एकाने एसेचेन से काज करार जन्नो. Believe and receive your healing. विश्वास करके आपकी चंगाई को फालो. विश्वास से आपनार आरोग्यता आपने प्राप्त करो. Confess Jesus is Lord and receive your healing. आप इस बात को स्वीकार करो कि यीशु प्रभु है और चंगाई को पालो. स्वीकार करूं जीशु प्रभु एवं आरोग्यता के प्राप्त करूं. I will have no other Lord. मेरे लिए कोई दूसरा प्रभु नहीं. हमार जन आर कोनो प्रभु नहीं. Jesus is my Lord. यीशु ही मेरा प्रभु है. जीशु ही हमार प्रभु. This God is my God. ये प्रभु मेरा परमेश्वर है. अरे प्रभु ही हमार ईश्वर. Go with that fellowship. आप उसके इस संगति के साथ यहाँ से लौटे. दास से सौभाग्यता संगे अपनी जान. Believe the gospel that is going to be preached in the ensuing days. आगामी दिनें जो सुसमाचार प्रचार होगा ताते आपने विश्वास करो. आने वाले दिनों में जो सुसमाचार का प्रचार होगा उसको भी विश्वास करो. You are going to be receiving great healing that you have never received ever before. कभी भी आप इससे पहले उस चंगाई का अनुभव नहीं किया. एक ऐसी चंगाई इन दिनों में आप अनुभव करोगे. अपनी एमोन आरोग्यता के पावे आपने कोनो दिन अनुभव करेंगे. May the Lord help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे. ईश्वर हमारे सहायक.